वाला इज रेडी। ट्रक उसके ऊपर से गया, बिल्कुल साइड से गया, मतलब ए चाचा। तो भाई साहब ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, फाइन मार दिया। हम मालेगा पहुंच चुके हैं। और तो बोलता हूँ यहाँ पे ड्रोन उड़ा करके अगर देखा जाता तो मजा आ जाता भाई। तो चली गई है, कार तो निकल ली है और उनको पकड़ लेंगे रास्ते में। सो अभी हमारी इम्पाला इज रेडी टू गो एंड लेट्स कैच देम एंड सी हाउ द जर्नी गोज। बारिश का मौसम है, अभी हो रहा है टाइम 11:21। रेंज है हमारे बाइक में सिर्फ 107 किलोमीटर का, बिकॉज फ्यूल डलवाना पड़ेगा। टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। बारिश हुई है हल्की हल्की सुबह में और अभी हम यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स मुंबई। लेट्स गो एंड हैव सम फन। ये है भाई जैन इरिगेशन लिमिटेड, बहुत बड़ा है ये, इंडिया में फर्स्ट और सेकंड चलता रहता है नंबर पे। तो इन्हीं ने कल का इवेंट जो था, जो आपने देखा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देखिए, कल का इवेंट इन्होंने ही स्पॉन्सर किया था। इट वाज गुड एंड इट वाज फन। बट अभी बारिश का मौसम चालू हो गया है, बारिश शुरू हो गई है, आगे भी बारिश दिखाई दे रही है। तो भाई आज भी भीगना पक्का है क्या? डॉक्टर साहब फुल स्पीड में जा रहा लगता है आज मेरे को क्रॉस करके, उसको पता है कि मैं जल्दी जल्दी निकलूँगा। मैं उसको रोज़ क्रॉस कर देता हूँ ना, बेचारा स्पीड नहीं बढ़ा पाता बिकॉज ट्रैफिक बहुत है और रास्ते भी ख़राब है, दैट्स व्हाई। पता है अभी अभी क्या हुआ? अभी अभी ये हुआ है कि चलते गाड़ी में यहाँ से चार्जर झटके से निकल गया और नीचे गिर गया। तो उसकी वजह से मैं रुका, बट पीछे में ट्रक आ रहा था और चार्जर का हाल ये हो गया। ट्रक उसके ऊपर से गया, बिल्कुल साइड से गया, मतलब थोड़ा सा कट लगा है उसको, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा कट लगा है और ये चार्जर आउट, इसकी लग गई वाट। बट चार्जिंग केबल तो बच गया, अभी इसमें गलती से भी चार्ज नहीं हो सकता, ये कहीं पे भी नहीं घुस सकता है, इसके लग गए। कोई नहीं, बला टली समझ लो यार। बट अभी चार्जर नहीं है मेरे पास में रास्ते के लिए, सो इसको नया ऑर्डर करना पड़ेगा अगली बार के लिए मुझे। हाँ कोई नहीं, होता रहता है ट्रैवल में, ये सब चीज़ें जो है होती ही है। तो छोटी मोटी बातों का टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ने का। बरसाने वाले, बारिश शुरू हो चुकी है और हम इसे झुके चलाएंगे ताकि कैमरा गीला ना हो। बारिश हो गई भाई साहब तगड़ी वाली, अगर मैंने विंडशीटर पहना होता तो मैं झगड़ रहा होता अभी बादलों के साथ में। क्या मजाक कर रहे हो भाई, 5 बार 6 बार बारिश आई भी और गई भी। तो पहनो निकालो बिकॉज गर्मी होती है उसके अंदर, एंड आई हेट वियरिंग दैट। अभी हम लोगों ने डॉक्टर साहब को पहले ही पीछे छोड़ दिया था, वो हमसे आधा घंटा पहले निकले थे और एक्चुअली जो चार्जर का किस्सा हुआ तो उसको उसे रुकना भी पड़ा। अभी ये देखो भाई साहब आ रहे हैं सामने से, वो दिखाई दे रही है वाइट वाली कार विद मस्त वाले लाइट्स, वो देखो इतना बड़ा दिख नहीं रहा क्या? अरे रुक जा, रुको ना भाई, इधर चाय के लिए बोला है।
चाय नहीं पीनी इनको। कैसा रे डॉक्टर साहब? चाय के लिए बोल दिया था मैं, भाग रहे उधर। भाग रहे हो क्या? 10 किलोमीटर तो है दुलिया। हाँ दुलिया, क्या दुलिया में क्या दुलोगे? सुबह नहीं दुले थे क्या? फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुलिया, धुड़े मराठी में धुड़े, हिंदी में धुलिया बोलते हैं इसको। सो ये जो है, अभी हमने यहाँ से लेफ्ट लिया, जलगांव से आते समय अभी यहाँ से लेफ्ट लिया, और ये है आगरा मुंबई हाईवे। सारा रास्ता अच्छा दिखा था आते समय, अभी जाते चचा आते समय पता नहीं कैसा होगा। बट रास्ते में हम लोग मालेगांव में खाना खाएंगे। देखो डॉक्टर साहब कैसे भागता हुआ आ रहा है सामने से। ये भाई साहब ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, पॉइंट मार दिया, यही है वो। हम लोग को रास्ते में रुकना पड़ा बिकॉज हमारे प्यारे अजीम भाई, इन्होंने सीट बेल्ट लगाया नहीं था। एक्चुअली सामने बैठने वाले दोनों लोगों ने सीट बेल्ट लगाना चाहिए, और अजीम भाई ने सीट बेल्ट लगाया नहीं था। That's why, that was the only reason कि हमको पुलिस वालों ने रोका, ठोका, क्या ठोका, फाइन ठोका। फाइन भरने के बाद में फिर हम लोग वहाँ से आगे निकले। अभी ये हुआ था, और दोबारा से अगर आप भी अगर आगे बैठ रहे हो तो दोनों लोगों ने सीट पर लगाना है। हो गया, पता नहीं जुगाड़ करके आया कुछ, मैं तो बात कर लिया था उनसे तो शायद से हो गया। आप भी लगा के रखेगा, सोते समय भी लगाने के लिए बोल रहे हैं इसको रात में। ठीक है समरिया, सातवीं बार बारिश मिल गई है भाई, और ये बारिश तगड़ी है। ये तो यहाँ पर फूलने वाला सीन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, कंटिन्यू ये बारिश चलती रहेगी। सो अभी भी मुझे 21 मिनट्स, मतलब 15 किलोमीटर्स जाना है आगे, वहाँ पर हम खाना खाएंगे। बट लग रहा है कि पूरा थ्रू आउट बारिश है, वेदर आई गेट चेंज। हम मालेगांव पहुंच चुके हैं, और डॉक्टर साहब लगभग 15-20 मिनट पीछे में हैं। मैंने खाने का ऑर्डर कर दिया है, चिकन हांडी एंड रोटी। कार की डिले हो गई है, कैंसिल। अच्छा टेस्टिंग दोगे? ठीक है टेस्टिंग भी मिलता है भाई यहाँ पे। मालेगांव आओ तो ये हाईवे पे भी पड़ता है, और वो भी जाने वाला इंदौर के तरफ। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, वाओ माशाल्लाह। सामने पूरे पहाड़ ही पहाड़ है, और ये देखो चाचा केले के छिलके फेंक रहे गाड़ी में से। गंदगी कर लो तुम लोग रास्ते में बस। सामने में खूबसूरत पहाड़, ऊपर में बादल, इधर में भी पहाड़, ऊपर में बादल, रास्ते पर हल्की सी बारिश। एक बार बताऊँ, कुछ पहाड़ों पे धूप पड़ रही है, कुछ पहाड़ों पे बारिश, कुछ पहाड़ों पे छाव। वाह, और अपन बोल रहे हैं वाह, क्या बढ़िया था गुरु। वो देखो सामने केक माउंटेन, मेरे बच्चे बोलते हैं इनको केक माउंटेन, जो ऐसे माउंटेन होते हैं उनको केक माउंटेन बोलते हैं। लुक्स ब्यूटीफुल मैन, वेरी गुड। Yo, yo. वाह, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी मस्त पहाड़ी, और सामने कुछ है राज गहरा। ऊपर में देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा है वहां पर पहाड़ के ऊपर टॉप में, कुछ तो है, एक छोटा सा कुछ तो बना हुआ है, वेरी नाइस वन। ये देखो सामने में, ओए होए होए होए, जान बे तू क्या डरा रहा है। ओ भाई क्या नज़ारे हैं यहाँ पे। तो बोलता हूँ यहाँ पे ड्रोन उड़ा करके अगर देखा जाता तो मज़ा आ जाता भाई। यहाँ पे हो गई है बहुत तेज़ बारिश भाई, बहुत ही कड़क में एकदम तेज बारिश। मैं भीग रहा हूँ और इनका वेट कर रहा हूँ, बहुत पीछे ये लोग।
आएंगे तो ड्रोन निकालेंगे, फिर शॉट लेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। बट शॉर्ट्स लेकर ही जाऊंगा भाई, कुछ भी हो जाए। भाई मज़ा आ गया, फुल ऑन शूट किया यहाँ पे ड्रोन का। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और अभी हम लोग बढ़ चुके हैं मुंबई की ओर, डॉक्टर साहब की गाड़ी सामने है। जहाँ घुसे जा रहा है भाई, आगे में खुले रोड पे 80 का स्पीड रखना। प्रिय दोस्तों, नासिक शहर में आपका स्वागत है। अभी बज रहे हैं 6, शाम के 6 बज चुके हैं। बादल मंडरा रहे हैं ऊपर में। जल्दी से जल्दी नासिक क्रॉस करना पड़ेगा। मुझे पक्का लग रहा है कि दशहरा में तो बारिश मिलेगी, मुंबई में शायद ही मिलेगी यार। मुंबई में मुझे लगता बारिश होती आज। कभी कभी तो अपने को लगता है कि अपन ही ज्योतिष हवाए, ज्योतिष ज्योतिष भी बन गए अपन। ये क्या बात करता है यार? लुक्स लाइक मैंने जो बोला था वही हो रहा है कि बारिश मिलेगी हमको नासिक के बाद इगतपुरी में। और हम बस अभी इगतपुरी में एंट्री कर ही रहे हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। सीधा शहर में भी पूरा पानी भर गया भाई। हेलमेट के ऊपर मैंने लगाया वाटरप्रूफिंग वाला एक सब्सटेंस, जिससे हेलमेट के ऊपर तो पानी बहता नहीं है। बाइक के ऊपर भी मैंने एक लेयर लगाया है सिरेमिक का, सो उसकी वजह से बाइक भी बहुत कम गंदी हुई है एज कम्पेयर टू द कार। कार के ऊपर सिरेमिक कोटिंग नहीं है, सो वो तो एकदम ऐसा हो गई जैसे एकदम काली काली ऑफ रोडिंग करके आए जैसे। डिफरेंस तो आपने देख ही लिया होगा। डिफरेंस जो है वो इसलिए है बिकॉज बाइक पे मैंने PPF कोटिंग करवा रखा है और PPF कोटिंग के ऊपर में मैंने सिरेमिक कोटिंग भी करवा रखा है। सिरेमिक कोटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि धूल मिट्टी से बचते हैं, पानी कीचड़ वीचड़ ज़्यादा चढ़ता नहीं है बाइक पे और कार पे भी। और साथ ही साथ अगर कहीं पर छोटी मोटी स्क्रैच आती है या फिर छोटा मोटा कहीं रगड़ जाता है या फिर गिर जाती है बाइक, तो उसमें बाइक का कलर बच जाता है। सो प्लीज़ आप भी अपने बाइक पे सिरेमिक कोटिंग करवाओ, कार पे भी करवाओ। मैं कार पे नहीं करवा पाया, कार पे मैंने PPF करवा रखा है बट सिरेमिक कोटिंग नहीं करवाया, इसीलिए डिफरेंस हुआ है, आपने देख लिया होगा। और हमारी बाइक बहुत ही कम गंदी हुई है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड जॉब यासिन दुंगे, थैंक यू सो मच, एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ यू। अभी किधर से जाने गए? ये देखो भाई, पंचजन्य अमृतुल्य स्वराज की चाय पियेंगे और प्रिपेयर होंगे जाने के लिए टुवर्ड्स मुंबई बिकॉज इट्स गोना बी रेन हेवीली। लुक एट दिस क्लाउड, गजब मजा आ गया अभी तक भाई। ब्रेक खत्म और अभी हम लोग फिर से हाईवे पे आ जाएंगे। फिर डॉक्टर साहब की गाड़ी, डॉक्टर साहब इस बार स्पीड में आए लगता है भाई। गुड, सॉरी गाइस, यहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही है। इसलिए मुझे भी बाइक देख रहा, पूरा बाइक भी भीग गया। मतलब बाइक तो भीगना ही है, बात है, मैं भी गया हूँ। सो अभी पैंट के ऊपर
वो रेन चीटर वाला पैंट पहना है और फिर यहाँ से निकलना है। ग्लास भी साफ करना है। सो सॉरी मैं कैमरा नहीं निकाल पाऊँगा बिकॉज कैमरा भीग गया तो लग जाएंगे। सो जैसे भी बारिश होती है मुंबई में फिर हम लोग गेट इन टच होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वेट, आगे कुछ और बाकी है। और फिर उसके बाद हम पहुँचे हैं कसारा घाट। कसारा घाट में हो गई थी रात, बहुत बारिश हो रही थी और बारिश के बाद में वहाँ पर हुआ है फॉग। फॉग में जो मेरे साथ में हुआ है मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लो। छोटी सी गलती है किसी इंसान की, जो कुछ इंसान की, तीन लोग ये लोग थे इनकी, जो बिना लाइट के फॉग से ट्रैवल कर रहे हैं। सो अगर मैं वहाँ पर ब्रेक नहीं मारता तो बाकी गाड़ियाँ भी या फिर कोई और, मैं या फिर कोई और उनको कुचल देता और फिर वो उल्टा केस उनके ऊपर ही बन जाता। सो प्लीज़ अगर आप कभी भी फॉग से गुजर रहे हो तो जितना हो सके फॉग लैंप्स ऑन करके चलो और आगे में थोड़ा स्पीड कम करके चलो। बड़ी मेहनत से मैंने कैमरा निकाला और निकालते ही देखो बारिश शुरू हो गया है। हाय, बस हम मुंबई में एंट्री करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा फॉग मिला है कसारा घाट पे, एकदम भयंकर वाला। और उसमें पब्लिक एक फैमिली पता नहीं रोड क्रॉस कर रही थी, वो बेचारी लेडी अपाहिज थी, हैंडीकैप थी, तो वो उसको क्रॉस करवा रहे थे, एक बच्चा, उसका हस्बैंड और उसकी वाइफ, बच्चा हस्बैंड वाइफ क्रॉस कर रहे थे। यार सच में बोल रहा हूँ मैं, बस उतरे फॉग के बीच में से रोड क्रॉस कर रहे, इट वॉज वेरी बैड एक्चुअली। बट यस, मैं वहीं पे था तो मैंने बाइक बीच में खड़ी करके सबको रोक दिया था एंड दे क्रॉस्ड इट, बट बहुत डेंजर है भाई ऐसा। भाई मुंबई, बट ट्रैफिक ने फाड़ दी भाई सबकी वाट लगा दी ट्रैफिक ने। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट एंट्री हो गई है अंदर, बिकॉज मुंबई में आते बराबर सबसे पहले वेलकम तो ट्रैफिक से ही होता है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर पे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी बोलना। बहुत ही अच्छा था मेरा सफर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला था बट यस It was good, great as always. So please do subscribe. Thank you so much. This is Ride with Soldier. Kehta aapko bye bye, good night, shabba khair, assalamu alaikum and Jai Hind.